कोई सा। पापा को भैया नाम मिट गया, काली बिटिया है बस, मम्मी मेरी अंधी है। अच्छा, ये इनके पिताजी का नाम क्या था? राघवेंद्र। राघवेंद्र नाम था। कहाँ के निवासी थे? मंजूर के। कितने भाई बहन थे ये? कौन, पापा? नहीं नहीं, ये अकेला मतलब था, दो बहने है बस, अकेला था मेरा। अच्छा, आप दो बहने हैं? चिरा गई, चला गया। मेरे घर में अब कोई दीप जलाने वाला नहीं रहेगा, नाम खत्म हो गया मेरे पापा का। मेरे पापा, चलिए हम थोड़ा देखो पुलिस प्रशासन से भी इस बात में थोड़ी बात करते हैं। सर तो अगर सर जैसे कि इनका कहना है तो इनको क्या, किस तरीके से सर कार्रवाई होगी, किनको कैसे इनको इंसाफ मिलेगा? हम बिल्कुल इनकी जो जो इन्होंने कहा है, जो बातें इनको है, जो आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल हम उस पर जांच कर रहे हैं, हम उस पर जांच कर रहे हैं। इनको सही सही पाए जाने पे पूरी कार्रवाई की जाएगी। अभी इसीलिए इनको मैं समझा रहा हूँ कि अंतिम संस्कार करें, हमें कार्रवाई करने दे, तब तो हम तो यही करें अभी, इसलिए कुछ और बिल्कुल जो सही है वही करेंगे। कोई बिल्कुल बिल्कुल बता रहा हूँ, कोई भी रिपोर्ट किसी ने लिखाई, एक्सीडेंट की लिखाई, मर्डर की लिखाई, लेकिन तुम्हें उस जगह पे पहुंचना चाहिए था। लेकिन हम लोग सब लोग हॉस्पिटल में थे, जिसने ये काम किया था, गांव वाले तो नहीं थे हॉस्पिटल में। अगर कह रहे हैं कार्रवाई, तो पूछो इनसे कार्रवाई जब से चले, जब हम सुबह गए थे, सो के उठे, ऐसे खड़े थे जैसे आम जनता खड़ी होके बात करती है, ऐसे ये लोग बात कर रहे थे मुझसे। जब उन्होंने सारे भाग गए मार के मेरे भैया को, ताला पड़ा है, धरना धरा, सब ये फाइल लेके निकले घर से, और ये फोन से रहे थे पुलिस वाले को, जब ये फोन पे बहुत चला रहे थे, सब भाग गए। मोहित, हेलो मोहित, तो देख रहे हैं भैया, तो ये माहौल है यहाँ का, बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल है। पुलिस प्रशासन जो है वो पूरे तरीके से दे रही है कि हाँ हम जो है इंसाफ करेंगे और इनके साथ इनकी जांच पड़ताल भी करेंगे, एफआईआर भी दर्ज करेंगे, लेकिन जो है जो इनके परिजन है वो इस बात के लिए तैयार नहीं है। वो इस बात के लिए तैयार है कि हमें अभी इंसाफ, ये मिट्टी यहाँ पर रखी है और जो एसओ सकराबा वो भी यहाँ पर मौजूद है। अभी तक क्या है कि अभी तक मामला वहीं पर टिका, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जो परिजनों का कहना है। और परिजनों को साफ तरीके से ये भी कहना है कि ये मर्डर है, ये एक्सीडेंट नहीं है। अब पुलिस इसमें कहां तक या पुलिस प्रशासन किस तरीके से इस परिवार को जो है आगे इंसाफ दिलाएगी, ये वीडियो में आगे देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए डीडी टुडे न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत। मृतक हैं, मृतक के चाचा हैं, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, इंसाफ आपको किस तरीके से चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और वो कह रहे हैं कि हमने एफआईआर दर्ज कर ली है, आगे कार्रवाई कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से? हम तो जो कह रहे हैं, हमें अभी भी तब डोड वाड़ी जब लगाएंगे, जब हमारा कुछ न्याय हो जाएगा। हम न्याय चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते कि आए हम लगाए हुए। तो अभी तो यहाँ पर एसएचओ मौजूद है, एसओ जो है वो है मौजूद है यहाँ पर थाना सकराबा के, तो बड़े अधिकारी कार्रवाई, बड़े अधिकारी यहाँ पर आए, हमें न्याय दिला के उसके बाद हम सब लोग हटेंगे, उसके बाद। हाँ, मतलब आप लोगों का कहना है कि बॉडी उसके बाद ही लगेगी। कैसे? अंतिम संस्कार बॉडी का भी नहीं करेंगे हम लोग। नहीं, कब तक इनका इंतजार कर रहे हैं आप लोग? उच्च अधिकारी नहीं आ जाएंगे, हमारा कुछ न कुछ समाधान नहीं होगा। हमें जो मुल्जिम है वो गिरफ्तार नहीं होंगे, मुल्जिम जो भी पांच आदमी है वो न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग नहीं हटेंगे यहाँ से। अच्छा, तो इन लोगों का ये कहना है कि जब तक कोई उच्च अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं हो जाते, कोई उनको आश्वासन सही तरीके से नहीं मिल जाता, तब तक ये डेड बॉडी यहाँ से नहीं हटाएंगे। और ये जो है सकराबा से जो नहर है, नहर से एक लिंक रोड आया हुआ है, उसी रोड पर ये हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है। आप पूरा वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, कैमरा मैन से थोड़ा दिखा दीजिए दूर दूर तक कितनी ज्यादा भीड़ है, आगे पीछे कई सारी गाड़ियां खड़ी है, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और ये लोग इंसाफ के लिए यहाँ लड़ रहे हैं। और जो इनका जो ये चाचा जी जो इनके थे, इनका भतीजा है, वो तो खैर इस दुनिया में नहीं है। अब उसका मर्डर हुआ है या फिर एक्सीडेंट हुआ है, ये तो जांच के बाद ही क्लियर होगा, लेकिन जांच किस तरीके से हो रही है, ये लोग यही कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन बहुत ज्यादा स्लो काम कर रही है। अगर पांचों आरोपी गिरफ्तार होने चाहिए जिनका नाम लिया है, पांचों बंदे गिरफ्तार हो जाएं, उच्च अधिकारी आके हमारा समाधान कर दे। अच्छा, आपका कहना है कि ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये मर्डर है, मारा गया है। अच्छा, जो मृतक था
उनके पिता नहीं थे, पिता नहीं, कब खत्म हो गए थे? पिताजी उनके 5 साल के थे, ये बच्चा था तभी खत्म। अच्छा, 5 साल का ये जो मृतक है ये 5 साल का जब था तब उनके पिता खत्म हो गए थे। अच्छा, परिवार में इनके कौन कौन था? परिवार में इनके चाचा हैं, इनके पिता दो भाई थे, ठीक है, ठीक है, अपने बाप के तो चाचा भी है, चाचा के दो लड़के हैं। अच्छा, और हम ये, लोग ये लड़का, ये लड़का अकेला था? ये लड़का बिल्कुल अपने बाप का अकेला। अच्छा, शादी मतलब कितने समय पहले हुई थी लगभग? शादी 3 साल 2 साल 2.5 साल हाँ। अच्छा, एक लड़की, लड़की है, एक लड़की है। अच्छा, एक बच्चा है, बच्चा कितने साल का होगा? बच्चा 5 साल का। 5 साल का जो मृतक है उसके 5 साल का बच्चा है और शादी लगभग 6-7 साल पहले हुई थी। हाँ, लड़की है, बच्ची है, लड़की है, लड़की है। अच्छा, तो मतलब ये जो जो मृतक है ये जो अकेला ही था, केवल दो बहने हैं? दो बहने हैं। अच्छा, ये पिता थे नहीं? पिता थे नहीं। अब माता? माता है अंधी। एक इकलौता अपने परिवार का एक सहारा था, जो सिर्फ सिर्फ एक अकेला अपने परिवार का सहारा था, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी माँ जो अंधी माँ थी, उसका एक इकलौता सहारा था। अब वो सहारा भी चला गया, वो उस माँ का क्या होगा, उस बच्ची का क्या होगा? ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये अब इन लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। केवल मर्डर रिपोर्ट में आया सर, हम तो दिल्ली में थे सब लोग, मर्डर यहाँ टूटी, ये नाक टूटी, ये सब दांत हैं, ये सब ऊपर ऐसे तरुआ में घुसे थे, एक आंखी बिल्कुल खत्म। कैसा मर्डर, आगे भी चोट और आगे भी चोट, पीछे भी चोट, कैसा मर्डर है, कैसा एक्सीडेंट, ये मर्डर है। मैं मिट्टी नहीं दिखा सकते ना, वीडियो में मिट्टी नहीं दिखा सकते, वो हम देख लेंगे, वो चीज अलग है, लेकिन हम दिखा नहीं सकते। बेटा मर्डर है, ये एक्सीडेंट नहीं है, घर से बोला, ऐसे बोला, मैं तो नहीं आती, एक दुकान पे वो पुड़िया लेने गया, खूब होश में था, जो कोई ये झूठ कहे कि शराब पीता था, कुछ नहीं करता था, पुड़िया केवल खाता था। तो उस वो दुकानदार हमारी लगती सास, तो उसने एक दादी हमको पुड़िया दे दो, पुड़िया दे, सो उसका फोन आ गया आशीष का, एकदम उसने कहा कि कहाँ हो, तो उसने ये कहा कि हमारी दादी खत्म हो गई, टेंट हमारा रख जाओ, जैसे ताला तोड़ के तुम ले गए हो सारा टेंट और ये जनरेटर वनरेटर भर के हमारा रख जाओ, हमारी दादी खत्म होगी, हमें टेंट लगाना है। तो वो बोला कि मादर चौथ में नहीं। अच्छा, मतलब जिस दिन ये लड़का खत्म हुआ है उसी दिन उसी लड़के की दादी भी खत्म हुई है? हाँ हाँ, परिवार की। अच्छा, परिवार की, परिवार की दादी, बिल्कुल खास परिवार, ठीक है। तो इसलिए उस ताला तोड़ के टेंट सारा भर ले गया। अच्छा, कौन भर ले गया था? वही आशीष। अच्छा, वो कहाँ का रहने वाला था? ये दौलताबाद। दौलताबाद का आशीष जो है वो टेंट भर के ले गया, ताला तोड़ कर। तो इसने ये कहा कि हमारी तुम्हारी ये रंजिश का एक अहम मुद्दा रहा, अहम मुद्दा, ताला तोड़ के सारा जनरेटर वगैरह जितनी सारी चीजें सब भर ले गए। तो इसने ये कहा कि हमारा टेंट रख जाओ, हमें लगाना है। अच्छा, आप गाँव की है? हम उसकी ताई है, ऐसे है बावन में, जैसे हमारे बाबा दो भाई थे, परिवार खास परिवार, खास परिवार। तो बस उसने ये कहा, सो उसने गाली दी, फिर इसने भी फोन पे गाली दी। अच्छा, फोन पे गाली गलौज हुई? हाँ, खूब हुई। फिर उसने ये कहा तो ऐसा करो कि हम तुम दो पे दो सलाह करेंगे, आ जाओ यहाँ। तो इसने किसी को अपने भाइयों को, हमारा एक लड़का है बाबा पुजारी है मंदिर में, उसको भी बता जाते हैं तो बेटा हमारे बच्चे की ये दशा नहीं, उसको वहाँ ले जाके शराब पिलाई और अकेले में पिला के उसको कहीं डाल के मारा, चाहे खेत में मारा, वो सड़क पे डाल गए और उसमें एक ये प्लास्टिक की जो होती बिंदी, वो मोटरसाइकिल में रस्सी बिंदी थी, तो उससे खींच दिया और एक्सीडेंट बता दिया कि एक्सीडेंट हुआ। सरिया डरी थी, सरिया डरी, जूता वहीं पड़ा है अभी, नाल उठा ले। हाँ, पुलिस ये कहती है कि एक्सीडेंट में बोलो तो पैसा ज्यादा मिले, हमने कि 23 साल है, हमें पैसा नहीं थे, हमारे तो भाई उसका बिल सैया नहीं, कोई रादिया गुल हो गया, बिल्कुल ताला लग गया, बताओ हम पे ले, उस हमारा लड़का मर गया। एक तो उनकी जो बूढ़ी माता है, हाँ, जो अंधी है, उनका सहारा चला गया, सिर्फ देखने वाला भाई एक बच्चा भाई, था भाई केवल था,
उस छोटी सी बच्ची का पिता चला गया, उसके उसके ऊपर से सर का बाप का एक साया उठ गया। बिना पिता के कभी नहीं रहती थी, कहती पापा उठो आपको पिज्जा ले आओ, शाम को कहती रो रो के दिया। आप इनका दुख समझ सकते हैं कि और ऐसी तकलीफें हैं जो रियल में हृदय विदारक घटना हुई है यहाँ पर, जो हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हुए हम भी थोड़ा माफ करना मुझे, क्योंकि मुझे भी थोड़ा ये लग ही रहा है कि एक बूढ़ी माँ जो एक अपनी आंखों से अंधी है, देख नहीं सकती और उसको वो देख नहीं सकती, उसका एक सिंगल सहारा एक लड़का और एक छोटी सी बच्ची जिसके ऊपर से पिता का साया चला गया और एक उसकी पत्नी जो विधवा हो चुकी है, और इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी पुलिस को मामले के संज्ञान लेना चाहिए, उस पर रिपोर्ट करनी चाहिए और लोगों को उठाना चाहिए। पैसा ले ले हो, 7 लाख मिले हमने, कि पैसा का हमको क्या करना है, हम आओ खत्म होगा, हम आओ मार दे, हम पैसा 7 लाख दे दे, हम दे दे, हमारे को खुद बिल सही नहीं है, कोई जिसके घर में ताला लग गया उसका कौन है बताओ, कौन बिल सेगा, उसके 25 बीघा खेत है बताओ, उसको क्या कौन लेगा। आज एक बच्चा लो तो सब या देखो हो तो कि चलो बूढ़ आगे बढ़ जाए, और फिर आप बहू को बेटी को का सहारा कि हम लोग घर पे, हमारे बच्चा 3 है तो हमारे 2 परदेश, आगे का वंश खत्म हो गया, आगे का वंश नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं है, तो अब बच्चा नहीं रहता, तुम हमारी बहू को नातिन को भी मार जाओगे, बूढ़ी टुको को भी मार जाओगे, घर पे कोई रहता घर पे कोई रहता नहीं, दादा रहते हैं वो पूजा वूजा करते घर पे, हम सौरे रहते हैं पूजा करने जाते हैं, सौरे रहते हैं, ये लोग सौरे रहते हैं, जब सुनेंगे तभी तो आएंगे, बहू माता मम्मी अकेले ही रहेंगी बस, मम्मी अंधी माँ, अब उनको कौन देखेगा, कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं, अब कोई नहीं, कौन देखेगा बताओ, कौन वो एक अंधी माता है, उनको देखने वाला अब कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा, कोई सहारा नहीं बचा। चलिए ठीक है, ये घटना बहुत ही हृदय विदारक है, आप लोग जैसे कि देख सकते हैं इनका दुख दर्द जो है वो रियल में जुबान से हम बयां नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही है, तो आप लोग देख सकते हैं कि भीड़ जो है किस तरीके से है, और यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं, पुलिस की गाड़ी भी इधर पीछे बैग जा रही है, वो जीडी पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं, अभी तक यहाँ पर कोई भी बड़ा अधिकारी नहीं पहुँचा है, इतनी भीड़ होने के बावजूद भी, चारों तरफ जरा घुमा के दिखा दो, चारों तरफ पीछे भी दिखा दो, उधर भी दिखा दो, चारों तरफ, क्योंकि ये काफ़ी दूर देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है, और इस मैटर को आप हल्के में ना लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट कन्नौज में सकरावा थाना पड़ता है, ये नया थाना बना था यहाँ पर, पहले चौकी हुआ करता था, पहले सौरिक थाने में आता था, तब शायद लोग संतुष्ट रहते थे यहाँ से सौरिक जाने में, लेकिन नया थाना होने के बावजूद भी अभी तक यहाँ पर लोगों को संतुष्टि नहीं मिल रही, यहाँ की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उनका साफ तरीके से कहना है, परिजनों का साफ तरीके से कहना है कि ये जो है ये सीधा साफ साफ सीधा सीधा मर्डर है, और पुलिस प्रशासन का कहना कि एक्सीडेंट है, जाँच के बाद ये सारी चीजें क्लियर होगी, लेकिन अभी तक कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है, आगे क्या कार्रवाई होगी ये तो खैर आगे कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा, तब तक के लिए देखते रहिए डेली टुडे न्यूज़, धन्यवाद।